हाय माय डियर फ्रेंड्स, ऑल लाइफस्टाइल में मैं नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज के गेस्ट हमारी हैं ये हमारी आज की मेहमान शख्सियत, जिनका हर रोज लाखों लोग इंतजार करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को नाज़रीन के सामने इस अंदाज से पेश करती हैं कि मर्द और ख़वातीन के अलावा बच्चे भी इनके फैन हैं। ऊंचा कद, खूबसूरत चेहरा और मीठी गुफ्तगू और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान शिफा यूसुफ़ज़ई हैं। शिफा, स्टार्ट ही आपने होस्टिंग से किया, इतनी प्यारी शक्ल में ड्रामास क्यों नहीं किए? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो। मुझे होस्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक मूवी की ऑफर हो चुकी हुई थी। अच्छा। और वो मूवी की ऑफर, अब ये मुझे नहीं पता वो देने वाला कितना सीरियस था या मैंने उसको बहुत नॉन सीरियसली लिया, लेकिन ये है कि ऑफर हो चुकी थी। वो फिल्म अभी अनकरीब आ भी जाएगी इंशाल्लाह। तो बड़ा जबरदस्त अच्छा प्रोजेक्ट है, उस वक्त मैंने इनकार कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्यों इनकार किया। तुम अभी ऐसे बोल रही हो बड़ा डिफरेंट था आने वाली है कि जैसे बस तुम्हारी फिल्म वो आने वाली है। नहीं, उनकी आने वाली है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बड़ा डिफरेंट था। और वो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के मतलब सेंट्रिक उनकी कहानी मूव करती है और वो सब वो वाला। लगता तुमने चांस मिस किया, ऐसा फीलिंग होती है। लेकिन ये है कि जो मैं कर रही हूँ, अगर मैं वो कर रही होती तो फिर मैं डेफिनेटली ये ना कर रही होती, क्योंकि इसको तो बहुत टाइम देना होता है आपने। और आपकी जाहिर है अगर कहीं शूट चल रही है, कोई रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, तो आपने वहाँ पे टाइम देना है। फिर आप सुबह उठ नहीं सकते बिल्कुल, और दिन भी पूरा आपका वहीं लगता है। वो तो 12-12 घंटे की रोल टाइम होते हैं। आपका कोई मूवी में, फिल्म में आपका कोई, उसके अलावा फिर और कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। और जो मॉर्निंग शोज वाले हैं वो भी अपना जो टाइम है ना, वो मॉर्निंग शो के अलावा फिर आप कहीं और नहीं ऐसा ही वो कर सकते। आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है लोग, हालांकि हमें ये कहते हैं कि आप लोग तो 12 बजे फ्री हो जाते हैं तो चिल करते हैं। हमने कहा नहीं, चिल नहीं करते, 12 बजे डू एनीथिंग बट चिल, बट चिलिंग ना। कॉल आती है रात को 10 बजे भी, जी गेस्ट के साथ आज ये हो गया, जी अब जी टॉपिक चेंज करना है। कल का गेस्ट दौड़ गया है मैडम, वो सुबह 11 बजे के सेगमेंट में वो जो फलां साहब थे वो तो आ नहीं रहे, उनकी कैबिनेट मीटिंग आ गई, उनकी सेनेट कमेटी की मीटिंग आ गई, और बस फिर उधर एक पैनिक सिचुएशन होती है। लेकिन अब क्योंकि हम इतना, हमारी टीम भी कर करके वो हो गई है, एक जिसको कहते हैं ना एप्ट हो गई है, कि फुली इक्विप्ड हैं बेसिकली, कि वो कहते हैं कि नहीं है चलो कुछ कर लेंगे। और फिर मेरा और मेरे को होस्ट का केमिस्ट्री भी कुछ इस तरह की है कि हम वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इशूज़ फॉर अ गुड 5 to 10 minutes, गिवन के सिचुएशन ऐसी हो, कोई क्राइसिस हो गया, उस वक्त गेस्ट ने आना था, पहुंचा नहीं, लेट हो गया ट्रैफिक में, तो वो खींचना है, तो वो जो लंबाइयाँ होती हैं वो हम लंबाइयाँ आराम से करते बिल्कुल। अच्छा शिफा, कितने बहन भाई आप लोग, और घर में क्या आप लोग का रूटीन होती है, क्या माहौल होता है? अच्छा, दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन। जब भी मैं किसी को बताती हूँ, आई एम दी ओनली वन ऑफ माई पेरेंट्स। यू द ओनली वन? हाँ जी। अच्छा, मैं समझी तुम्हारी दो बहनें होंगी। अच्छा। या कुछ ऐसा सीन होगा। बहनें क्यों, भाई क्यों नहीं हो सकते? मतलब भाई वाला सीन नहीं लगता था मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना वो कहते हैं ना माई मुंडा वाला सीन। अच्छा, यही नजर मुझे आता मेरे लगता था। अच्छा। तो मुझे बहन भाई सारे इधर ही नजर आ रहे होते। नहीं, मैं आई एम दी ओनली वन। हाँ हाँ। और ओवर प्रोटेक्टिव और अच्छा स्पॉइल्ड ब्रैट मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे मारे शारे बड़ी पड़ी हैं, बड़ी पिटाइयाँ हुई हैं मेरी, बड़ा मैंने सहा है बेसिकली। अच्छा। लेकिन ये है कि फिर उसके एडवांटेजेस भी हैं, सारी तवज्जो आप पे होती है हर चीज़। अच्छा, मेरे बोथ पेरेंट्स जो हैं वो काम करते थे, जॉब करते थे, लेकिन ये है कि उनकी सारी तवज्जो क्योंकि एक ही थी मैं, तो मुझ पे होती थी। अदरवाइज़ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि वो अबू बड़े वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटा वाला निगलेक्ट हो जाता है, या दरमियान वाला तो बेचारा। अच्छा, किसी खाते में। अब ये बताएं कि आपको दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता था और कौन सबसे ज़्यादा जो है निगाह रखता था? कि मेरी फ्रैंकनेस मदर के साथ वो अलग लेवल की है, बिकॉज औरत की औरत से फ्रैंकनेस वो अलग है। और अब्बू मेरा ख्याल है, मतलब माई फादर इज़ मोर ऑफ अ स्वीट हार्ट उनको कह लें, तो उनकी मैं स्वीट हार्ट हूँ बेसिकली। मतलब वो ये ना अच्छा वो पैनिक भी हो जाते हैं कभी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, किसी रिकॉर्डिंग में हूँ, मतलब घबरा जाएंगे स्टूडियो में क्या हो गया, रिलैक्स करें। अच्छा, मतलब अभी भी वो देखते हैं कि कितने। वेलकम बैक। आज और लाइफस्टाइल में हमारे साथ मौजूद हैं शिफा यूसुफ़ज़ई, और इनसे हम इनके लाइफस्टाइल के बारे में जान रहे हैं। जी शिफा जी, अच्छा अपने फेस का ख्याल रखते हो, सैलून जाते हो या खुद ट्रीटमेंट्स करना पसंद है? मेरा ख्याल है बिकॉज ऑफ गिवन माई स्केड्यूल, सैलून ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि आप चले गए हैं, समबडी विल डू व्हाटएवर इज नीडेड। हाँ, लेकिन ये है कि सैलून मेरा ख्याल है, मेरा स्केड्यूल मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं खुद बैठूँ और मैं चीज़ें पढ़ूँ फिर मिक्स करूँ और वो जो घर वाले। कुछ नहीं अपने लिए खरीदते हो, जो क्रीम्स वगैरह? वो तो आप करते हैं, वो तो आप रेगुलर। जो किस टाइप की क्रीम्स होती हैं? नाइट क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, मेकअप से पहले जो आप लगाते हैं सीरम्स या वो उस किस्म के। लेकिन अदरवाइज अगर आप फेशियल वगैरह की बात करें तो वो तो मैं सैलून से ही करा लेती हूँ। अच्छा, और मेकअप में कुछ पसंद है स्पेसिफिकली, जो आपके पर्स में हर वक्त मौजूद हो, जो आप कहते हैं ये मैं लगाती हूँ बहुत अच्छा लगता है? मस्कारा लाजमी होता है। हाँ, लिप ग्लॉस, या
मेरा ख्याल है हाँ। बैग में ये चीजें होती हैं हमेशा, ये होती हैं हाँ। लिप ग्लॉस तो इसलिए होता है कर लेती हूँ मेकअप या नहीं, थोड़ा बहुत नहीं मैं मेकअप खुद कर लेती हूँ कर लेती हूँ तो अच्छा सही है ठीक है तो अच्छी बात है फिर तो कहीं जाना तो प्रॉब्लम नहीं होती हाँ नहीं मेकअप मैं खुद करती हूँ तो ट्यूटोरियल से सीखा या वैसे ही मेरा ख्याल है प्रोग्राम में कर करके वो आप पॉलिश हो गए अच्छा तो वो पॉलिश हो गई है इसके लिए ओके अच्छा अच्छा अपने लिए कोई तीन ऐसी चीज़ें बताओ जो जिसके बगैर नहीं ये मेरा जो है ना गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी मोबाइल एक तो मोबाइल हो गया दूसरा जी माय मदर क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आज पहन रही हूँ वो मेरी मदर ने पूरा एक मैनेज किया हुआ है सारा सिलसिला कि अच्छा ये इसके साथ ये चीज़ मैच करनी है ये कपड़े हैं इसके साथ ये ट्राउजर ये शर्ट तो मतलब अम्मी की पसंद की पहनती हो चीज़ें नहीं लेकिन नहीं, उनको मैनेज करती हूँ मतलब मैनेज वो कर लेती है मेरी और उनकी चॉइस बहुत मिलती है शूज़ भी हमारा मतलब वो नहीं होता बहनों वाला सिमिलर साइज़ है तो वो जरा जूते तो दे दो अच्छा, ये वाले तो दे दो पहन ले जरा तो वो सिलसिला भी मैं मेरी अपनी मदर के साथ में करती रहती हूँ तो ये है कि उनको अच्छा उनका अपना ताल्लुक भी फिर वो आर्ट और फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्चर और उससे है तो उनमें बड़ी एस्थेटिक मुझसे जरा ज्यादा ही है बल्कि बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा क्रिएटिविटी भी लगाती हैं एस्थेटिक्स भी उनके ज्यादा अच्छे हैं तो शी कीप्स ऑन मैनेजिंग और वो शी कीप्स एन आई आउट की यार इसने ये चीज पहनी हुई थी कभी एक दफा मैंने स्टोल उल्टा पहन लिया था प्रोग्राम में और उल्टा स्टोल पहन लिया था फौरन मुझे नहीं मैसेज आया बच्चे स्टोल तो उल्टा पहना क्यूट मैं डेली शो देखती हूँ मोस्टली प्यारी होती है हमेशा रोज बिल्कुल उनका यही सिलसिला होता है तो उनका ये सब बस ऐसा है वो अच्छा ये बताओ कि फ्रेंड्स वगैरह हैं घूमने फिरने का शौक है बहुत बहुत चाय कॉफी या डिनर आई एम अ कैफे पर्सन ओके मुझे कैफेज पसंद है हाँ कैफेज पसंद है सैलेड सैंडविचेस फ्राइज कॉफी बहुत पसंद है तो हाँ आई एम अ कैफे पर्सन मतलब लंच डिनर तो ठीक है वो एक फॉर्मल वो चीज़ हो जाती है लेकिन कैफेज में मुझे खामखा बैठ के ना बस कॉफी का कप सामने रखा और वैसे ही मुझे बैठने का शौक है कैफेज अच्छा लाइफ में कभी पता चला कि कुछ चेंजेस आए हैं और कुछ स्ट्रगलिंग है आगे कैसे आगे और मजीद बढ़ना है स्ट्रगलिंग उस वक्त था जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान आई और एक साल तकरीबन मैंने घर में गुजारा बिकॉज आई वाज अप्लाइंग एट डिफरेंट चैनल्स और ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई सिफारिश चलती है या टैलेंट देखते हैं तो एक्चुअली टैलेंट ही देखा लेकिन ये है कि क्योंकि परसेप्शन एक बनी हुई थी कि नहीं नहीं सिफारिश ही आते हैं सारे और कहीं ना कहीं से कोई पैगाम भिजवाना होता है वही थी वो कि यार मैं अब ये पता नहीं है तो होगा भी या नहीं होगा हाँ तो वो टाइम जरा बोरिंग था उसमें 3 महीने तो मैंने सिर्फ एक ऐसे चैनल के फीडबैक के लिए गुजारे जिन्होंने मुझे जवाब देना था जब मैंने ऑडिशन दिया पहला कि उन्होंने मुझे ये जवाब देना था कि भाई वो मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे तो इस जवाब में ही उन्होंने 3 महीने गुजार दिए तो एट दैट टाइम आई वाज इन लाहौर स्टेइंग विद माय आंट्स और उनके पास मैं रही तो खैर लेकिन ये है कि वहाँ मेरे कजन्स वगैरह थे शुगर मेला लगा रहा लेकिन ये है कि दिल में अंदर से मुझे ये फीलिंग होती थी कि शायद आज बताएं मैसेज तो नहीं आ गया मैसेज तो नहीं आया तो ये बिल्कुल ऐसा होता था क्योंकि 3 महीने वो मतलब बड़ा लंबा टाइम था ना आपके इंतजार के लिए भी आप 2 हफ्ते में बता दें भाई आपको बंदा पसंद आया या नहीं आया 3 महीने आई यूज टू सुबह उठते साथ मैं फोन देखती थी कि कॉल तो नहीं आई अच्छा अपने आपके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ये नेचुरल है या कुछ ख्याल व्याल भी होता है नहीं ख्याल तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं होता हाँ मेरा ख्याल है फैमिली की तरफ से इनहेरिटेड मदर के बहुत मेरे खूबसूरत बाल हैं माशाल्लाह लंबे बाल पसंद है शॉर्ट बाल मैंने क्योंकि शॉर्ट में भी देखा आपको मुझे नहीं मेरे बहुत कम हुए हैं शॉर्ट बचपन में हुए हैं शॉर्ट बिल्कुल ही इतने नहीं मतलब इतने भी शॉर्ट कभी हाँ लेकिन लॉन्ग अब लॉन्ग बालों हमेशा ज़्यादातर लंबे ही रहे मेरे अच्छा कौन सा शहर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का पसंद है इस्लामाबाद इस्लामाबाद दी बेस्ट हाँ रहने के हिसाब से इस्लामाबाद शुगर मेला अगर आपको चाहिए वो लाइफ फिर आपको लाहौर में ज़्यादा मुझे मिलती है कराची वाले साथ कज़न्स के साथ कज़न्स मेरे पेशावर में भी हैं लाहौर में भी हैं लेकिन कराची वाले बेचारे ज़रा मुझसे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे कराची सम सिटी के मैं डिज़ायर नहीं करती कभी कि मैंने कराची जाके रहना है कोई मुझसे पूछेगा लाहौर आप मूव हो जाएंगी तो ठीक है मैं कहूँगी हाँ अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आई लाहौर से तो मैं कहूँगी ठीक है लाहौर पेशावर इस्लामाबाद लाहौर लेकिन कराची मतलब फील्स टू फार अवे बहुत दूर भी लगता है फार अवे या पसंद नहीं है दूर भी बहुत लगता है उस शहर के जो हालात हैं बेचारे के वो फिर सियासी गुफ्तगू हो जाएगी नाज़रीन तो हम उसको अभी आपसे हम सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं लेकिन ये कि हाँ लाहौर इस्लामाबाद एंड पेशावर बिकॉज माई फैमिली इज देयर आई एम फ्रॉम पेशावर लेकिन अगर रहने वाला शहर है कोई इस्लामाबाद बेस्ट फ्रेंड्स हैं बहुत है हाँ मतलब बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स आर लिमिटेड हाँ लेकिन 4-5 हैं ऐसे दोस्त हैं कि हाँ जिनके साथ जिनको फौरन आप फोन उठा के कोई टेंशन हो जाए तो आप फोन करें अच्छा अपने एक्सेसरीज में सबसे ज्यादा क्या पहनती हो मेरे ख्याल है रिंग्स नॉट इवन वॉच वॉच का नहीं वॉच तो होती है ये अच्छा वैसे वॉच को मैंने वाकई एक्सेसरी में काउंट नहीं किया वो इतनी आदत है पक्की लेकिन अदरवाइज अगर ईयर्स में नेकलेसेस में और ब्रेसलेट्स वगैरह में मैं आपको बताऊँ तो वॉच तो होती ही है रिंग्स
ओके चलिए अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो सियासतदानों के हवाले से हैं। आप अल्लाह जान ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि है कुछ फुल प्रोग्राम है आपका कि मेरे शो में कोई ना आए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे शो में जो है ना कुछ सियासी छोटी छोटी मोटी गुफ्तगू करें, लेकिन उनके स्टाइल के हवाले से। ठीक है, अच्छा आज आपको खुली छूट है, बात कर सकते हैं, माइंड तो नहीं करेंगे, नहीं कोई माइंड कर लेते हैं, माइंड नहीं करते हैं, नाराज नहीं होना, देखिए आज तो एंजॉय करेंगे वो भी। तो शिफा से हम बात करते हैं कुछ सियासी स्टाइल के हवाले से। जी सियासी स्टाइल अब आप बताएंगी। शिफा ये बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा स्टाइल, कपड़े, लुक्स किस सियासतदान के लगते हैं? अच्छा वैसे तो हिना परवेज भट्ट का बड़ा अच्छा स्टाइल होता है, वो खुद फैशन डिज़ाइन वगैरह भी उन्होंने गालिबन पढ़ा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि अपने स्टाइल को इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में लाती हैं कि वो लगता है कि डिजाइनर ज्यादा है पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिशियन कम है स्टाइल के हिसाब से, वो 10 out of 10। मतलब अगर वो सियासतदान होती तो वो वैसे डिजाइनर ही होती, डिजाइनर होती। हाँ ठीक है, डिजाइनर होती है। तो इसलिए मतलब मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिशियन डजंट हैव टाइम टू यू नो पे दिस मच अटेंशन एट हिज अटायर या हर अटायर के भाई मैंने ये भी करना है, कान में ये वो, तो उन्होंने चार चीज़ें रखी होती हैं, वही पर्ल्स पहनते हैं और सर पे दुपट्टा लिया और शलवार कमीज अच्छे साफ सुथरे पहन के डिसेंट कपड़े वो चले गए, तो उनका जरा फोकस ज्यादा होता है कपड़ों की तरफ। आप कह रही हैं ज्यादा ओवरडू हो गया वो, वो भी कह रही हैं उनकी तस्वीरें या उनकी जो पूरी जो पर्सनालिटी है वो पॉलिटिकल फिगर की कम और एक फैशन एंथुसियास्ट की ज्यादा लगती है। ठीक है मुझे, अच्छा खवातीन में और मर्दों में मतलब किसी को मशवरा दे रही है ना कि क्या करना चाहिए बालशाल किसी के साथ? आप नाम लेना, आप कोई नाम ले तो मैं, वो तो भी आगे है नाम बहुत सारे वाले हैं। मुझे वैसे चेंज किसी को भी नहीं करना, मेरे ख्याल है जैसे हैं जो सारे वो हैं। हाँ, फिलहाल मुझे ऐसा कोई माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताएं कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जो आपको लगता है कि अच्छा एक्टर है? सियासतदान तो सारे ही बड़े अच्छे एक्टर होते हैं लेकिन अब ये एक्टिंग में जा सकते हैं जरा, इनका जो है ना जरा एक अच्छा एक रोल शोल भी उनको। अच्छा जुल्फी बुखारी। अच्छा मतलब मैं नहीं कह रही कि वो एक्टर है लेकिन द वे ही लुक्स एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, हीरो शीरो लगते हैं आपको? हाँ हीरो की ही, बड़े हीरोइक किस्म की उनकी पर्सनालिटी। अच्छा। है खान साहब हिमसेल्फ आगे भी रिटायर एवर बॉन्ड ना एक्चुअली और okay. अच्छा जुनैद सफदर, जुनैद सफदर मरियम साहिबा के जो बेटे हैं वो, उनकी भी बड़ी ऐसी बड़ा चिजल्ड सा फेस है उनका, तो वो भी एक वो एक मॉडल है असल में। हाँ हाँ तो हीरो भी आ सकते हैं, एक्टिंग कर कर लेंगे वो। हाँ हीरो भी आ सकते हैं और स्किल्स होना जरूरी ना उसके लिए, एक्टिंग के लिए। हाँ अभी उनको मॉडलिंग तक रखते हैं लेकिन। हाँ बाकी बिलावल को मैं थोड़ा कहूंगी कि अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करें। बताएं ना क्या चेंज करें, वो सुन रहे हैं वो आपने सुन रहे हैं। बिलावल साहब यू डोंट हैव टू बी अ वडेरा टू रूल। जब ये वापस आए थे आई स्टिल रिमेम्बर कि बड़ा एक दुबला पतला सा स्मार्ट सा एक लड़का आया था वापस, बीबी का बेटा, और लोग बड़ा पसंद भी करते थे और उस तरह से फिर इनको लोगों ने एक तरह से मतलब बिल्कुल ही इतना सियासत में मगन कर दिया, मैच्योर बनो मैच्योर भूल ही गए अपने आप को। अच्छा मैच्योर इंसान ज़हन से होता है या जिसामत से लगता है? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती है। जिसामत डेफिनेटली मेक्स यू लुक ओल्डर या यंगर, लेकिन ये है कि अब जब सारी दुनिया कहती है फिटनेस को प्रमोट करें, आप हेल्दी एक एक्टिविटी रखें, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी फिट, लेकिन ये है कि यू डोंट हैव टू लुक लाइक अ वडेरा बेसिकली। उन्होंने उनकी जो अब लुक नजर आती है वो ये है कि एक तरह से वो वडेरा टाइप जो भुट्टो खानदान का वारिस वगैरह वगैरह उस तरह की लोग उनकी ज्यादा आती है, एक यंग डायनामिक नया प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन उनमें अब नजर नहीं आ। अच्छा मैं पहले जब वो आए थे तो दो चीजें नोट करती हूँ कि अगर हम भुट्टो साहब को देखते हैं तो ही वाज लाइक वेरी हैंडसम एंड ऑलवेज टुक केयर ऑफ हिज फिटनेस एंड वेल ड्रेस्ड। देन बेनजीर साहिबा के अगर हम देखें तो वेल ड्रेस्ड, अपने अच्छा वेल ड्रेस्ड ख्याल रखा, अपने आप का भी ख्याल रखा, डाइट ये। हाँ फिर यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों आया? You know? मेरा ख्याल है वो एक मैं आपको बता रही हूँ ना कि स्ट्रैटेजी भी होती है पॉलिटिक्स की, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उनके आसपास हैं या जो लोग उनको मशवरे ज्यादा देते हैं, यू थिंक सो सही मशवरा दे रहे हैं गलत? मेरा ख्याल है गलत। ओके ठीक है बस आगे चलते हैं। आगे बताइएगा कि अगर ये जो सियासतदान है जिनके नाम लूंगी ये सियासतदान ना होते तो क्या होता आपने? हाँ इनका आपने जो ना एग्जैक्टली बताना है इनके बारे में। जी हमजा शहबाज क्या होते? हाँ क्या होते अगर वो सियासतदान नहीं होते तो? मेरा ख्याल है कोई कारोबारी शख्सियत होते। वो तो है ना मान गए हैं क्या द लास्ट आई नहीं हूँ, उन्होंने अभी तस्लीम नहीं किया था नहीं किया अभी तक। अच्छा मैं तो समझी शायद मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है लेकिन ये है कि वो कारोबारी शख्सियत जरा पीछे से भारी खानदान के कारोबारी शख्सियत। ठीक है मुराद सईद स्कूल टीचर। स्कूल टीचर हाँ वो नहीं होता वो डंडे वाला सख्त सख्त ऐसा टीचर के जिसके देख के टांगे काम पे जिसको देख के। फैसल जावेद
फैसल जावेद तो मेरा ख्याल है पॉलिटिशियन ना होते तो, हाँ वो तो रेडियो 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 जॉब आरजे आरजे जबरदस्त। शेख रशीद, शेख रशीद स्कूल का प्रिंसिपल है ना, पीछे से एक छड़ी घुमाते और कहते मैं आ रहे हैं कितने चले हो। और मुराद अली शाह, मुराद अली शाह साहब मुझे पता नहीं देख के क्यों ऐसा लगता है कभी कभी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर नुमा उनकी एक लुक आती है, तो मुझे लगता है अगर वो पॉलिटिशियन ना होते तो शायद डॉक्टर होते, डॉक्टर होते। ओके सही है। साद रफीक, साद रफीक जमींदार, अच्छा पूरे पक्के वाले, पक्के वाले जमींदार आदमी। कमर जमान कायरा साहब, मेरा ख्याल है वो ब्यूरोक्रेट होते, पंजाब के किसी इलाके में अच्छे बड़े डीसी एसी वेसी लगे हुए होते। पंजाब में क्यों, सिंध में क्यों नहीं, सिंध में, सिंध वो ऐसा लुक नहीं आता। हाँ लाला मूसा उनका इलाका है, तो वो मेरा ख्याल है कि इसीलिए वहीं पर ही वो उधर ही सेटल अच्छे लगते हैं। अपने इलाके में कहीं मतलब सरगोधा के या किसी ऐसे शहर के उस एरिया के ब्यूरोक्रेट होते। ठीक है। अच्छा फारूक सत्तार, शायर, शायर या अदीब, क्या उनकी उर्दू है भाई, उर्दू का कमाल है उनका, शायर या अदीब होते हैं। मुस्तफा कमाल, मेयर, वो पैदा ही मेयर हुए, मेयर ही रहते हैं वो हमेशा। ओके उनको मैं किसी और उसमें रोल में तस्वीर ही नहीं कर सकता, मेयर मेयरशिप होगी। अच्छा नवाज शरीफ पास कर सकते हैं। मियां साहब, मियां साहब मेरा ख्याल है मियां साहब भी कारोबार वाले ही होते, लेकिन लाहौर में कोई कारोबार इनकी कोई मिल होती, पता नहीं आया फॉर सम रीजन मैं स्टील मिल से निकल नहीं सक रही, वहीं पे इनको और स्टील मिल को साथ साथ ही रहे, तो ये कुछ इस तरह का सिलसिला होगा। हाँ ओके ओके। शर्जील मेमन, शर्जील मेमन की शायद की बोतलें होती है, मतलब कारोबार उनका, कारोबार ही शायद का होता, वो तो उनसे मुंसलिक हो चुका है, वो वहां से ना हट नहीं सकता। कितने लोग हैं जो शहद का कारोबार कर सकते हैं आजकल, कितने पॉलिटिशियन, अली अमीन गंडापुर साहब की भी बोलने थी शहद की, तो वो धरने वाले वो भी है, तो उन मतलब इनमें ये दो, ये दो हैं जो शहद का कारोबार करेंगे। ऑलराइट जी जाएंगे ब्रेक की जान, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएं। और लाइफस्टाइल में शिफा हमारे साथ है और इनकी कुछ तस्वीरें भी हैं, तो उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें। अच्छा ये कैप के साथ, हेड के साथ, ये क्या है? वो वाली जो है आखिरी, हाँ ये एक्चुअली मैं इंग्लैंड से वापस आ रही थी और जिस दिन मेरी अगले दिन फ्लाइट थी, हाँ हाँ, पढ़ के मैं वापस आ रही थी, तो मेरा वहाँ पे जितना मेन जो रहने वाला टेन्योर था वो वहाँ पे मुकम्मल हुआ। हाँ। तो जब मैं वापस आ रही थी तो आई केम अक्रॉस स्टूडियो जहाँ पे ये पुराने इनके विक्टोरियन ड्रेसेस और वो सब रखे हुए थे, और मैंने सोचा कि अब क्योंकि डिग्री मुकम्मल कर ली है, हाथ में तालीम का वो सर्टिफिकेट है, तो लेट्स ट्रीट myself, और फिर ये मैंने वो विक्टोरियन ड्रेस उनका पहना, मतलब और पूरा स्टूडियो था वहाँ पर जहाँ पे यही इसी किस्म विक्टोरियन स्टाइल का एक, बिल्कुल वहाँ मुझे जरूर बताना, आई लव टू। अरे दिस इज मेन लंदन, मेरा ख्याल है नाइट्स ब्रिज का एरिया था। अच्छा, और वहाँ पे ये मैंने, उन्होंने मुझे टोपी शोपी पहनाई, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कराए कौन से कपड़े, ये पता है क्या, ये ऐसे लग रहा है किसी फिल्म का कोई ना सीन है पुराना। हाँ सो नाइस। अच्छा ये किसको खामोश कर रही है? ये मैं किसी को खामोश नहीं कर रही थी, ये एक्चुअली मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था। अच्छा, और उनको फोटोज चाहिए थी, मुख्तलिफ फोटोज मेरी चाहिए थी, डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया, मतलब तुमने पूरा पूरा एक्टिंग का प्लान किया हुआ अभी, अगर आ गई मेरे मेरे टाइप की ऑफर के लिए तैयार रखें एक आध रोल कोई। और ये बड़ी प्यारी पिक्चर है, कोई मॉडलिंग शॉडलिंग की हुई है क्या? नहीं मैंने मॉडलिंग नहीं की हुई, मेरी फ्रेंड ने अपना सैलून को ओपन किया और उसने मुझे कहा कि तुमने कहीं भी शादी पे जाना हो या किसी जगह जाना हो तो मुझसे करवाओ, मैं तुम्हें तैयार करूं। पर कितना अच्छा है तो ये उन्होंने मुझे तैयार किया था, ये उसकी फोटो है बेसिकली। ये भी सही बताऊं मैं, मुझे ये भी कोई ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी सीन। अच्छा हां फिल्मी सीन, बहुत प्यारा लग रहा है। आप जा रहे हैं? नाइस। हां वो नहीं, आप जा रहे हैं? हां ये वाला, चल दिए, चल दिए, या वो मायरा खान टाइप नहीं है ये वैसी पिक्चर लग रही, तो लग रही नहीं, लग रही सही, मुझे पता नहीं, मैंने उसमें से लग रही है। अच्छा ये कहां जा रही है इतना तैयार होकर, ये बताएं। राइट वाली में, हां ये एक्चुअली कराची था। हाँ हाँ। और विमेन लीडर्स अवार्ड्स थे। ओह आपको अवार्ड मिला था इसमें? नहीं मुझे, आई वाज होस्टिंग द रेड कार्पेट। ओह वेरी नाइस, आई लव द कंप्लीट अटायर, इतना अच्छा लग रहा है इसमें। थैंक यू, लाइक यू लुक सो नाइस। अच्छा एवरी टाइम यू लुक डिफरेंट, व्हाई? लाइक तुम्हें फील होता है, मुझे होता है, मुझे लोग कहते हैं कि आप तो लगी नहीं, हर मेकअप में मेरी डिफरेंट लुक आती है, मतलब यहां देखूं और यहां देखूं, मैं कहती हूं नहीं ये अलग है, और है हां नहीं नहीं मेरी मेकअप में भी अलग लुक आती है, खुले बालों में डिफरेंट है, बंद कर लूंगी पोनी बना लूंगी दैट इज एंटायरली डिफरेंट, कपड़े ईस्टर्न में कुछ और लगूंगी, पता नहीं है क्या मेरे साथ होता है, लेकिन ये दिस इज व्हाट आई गेट टू लिसन टू।
ओके, ये आप जो है ये मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी पिक्चर है। हाँ जी, ये हमारी बड़ी हिस्टोरिक एक टेलीथॉन हुई थी जब कोविड आया था, कोविड खबीस आया था हमारी जिंदगियों में, जो जाने का नाम नहीं ले रहा। माफ करें, इंशाल्लाह चला जाएगा, अल्लाह करे। ऐसा ऐसा मर रहा है, बिल्कुल हालत खराब हुई है, पतली हुई भी है उसकी। तो ये उसकी थी बेसिकली, पीएम हाउस में ही ये टेलीथॉन हुई थी और आई गॉट टू होस्ट इट। अल्हम्दुलिल्लाह पीएम ऑफिस ने रابطہ किया और उसके बाद फिर पीएम ने भी आके ज्वाइन किया, सारे पाकिस्तान के लीडिंग एंकर्स बैठे हुए थे। वेरी नाइस। और ये भी आपने होस्टिंग की है, इसके बाद ये कहाँ की है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जो 7 सितंबर का फंक्शन होता है उनका, जिसमें कि हम कहते हैं टी इज फैंटास्टिक, वो भी एक रिमाइंडर होता है। तो ये उनका वो वाला फंक्शन था। ओके ओके, वेरी नाइस। वैसे कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट शोज जो होस्ट कर चुकी है अब तक? अनगिनत, मतलब आई कांट काउंट। वो भी कॉन्सर्ट्स भी किए हैं या सिर्फ जरा? नहीं, कॉन्सर्ट्स नहीं है, पीएफ के किए हैं, कॉर्पोरेट फंक्शंस किए हैं ज्यादातर। हाँ, अच्छा। और ये कोविड टेलीथॉन की है प्राइम मिनिस्टर के साथ। मतलब ये इसके लिए भी फंड रेजिंग ही था, टेलीथॉन भी, क्योंकि लोग आवाम फंड दे रही थी और वो पीएम के फंड कोरोना रिलीफ फंड में जा रहा था और फिर उससे लोगों का अगेन एकदम शिफा चेंज होकर फिर ये दुपट्टे में आ गई। हाँ, ऐसे लग रहा है किसी ड्रामे की शूट चल रही है। ये एक्चुअली एक वीलॉग सॉर्ट ऑफ चीज थी जो मैं एसोसिएट हुई थी एक ग्रुप के साथ, और उनका ये मूड था कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर जो है वो कैप्चर करेंगे और वीलॉग्स बनाएंगे जिस तरह बाकी ममालिक में होता है, और हम अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग पिंडी में हो रही थी और पिंडी की गलियां वलियां हम दिखा रहे थे, राजा बाजार और वो सब। तो वो ट्रेडिशन और कल्चर पाकिस्तान का। कौन खींचते इतनी अच्छी अच्छी? बड़ा कहना पड़ता है लोगों को। आई एम अ गुड फोटोग्राफर, लोगों की मैं एंगल्स भी समझ जाती हूँ। तो ये तुम बताती हो सारे के? कुछ को बताती हूँ, उसके बावजूद ऑल इन वेन। और कुछ बाय चांस अच्छी आ जाती है। बड़ी डिफरेंट है, देखो ना एंगल्स, चीजें सब बहुत डिफरेंट है। और माशाल्लाह से बाकी पिक्चर्स में भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये दरख्त के साथ क्या है? ये फिर अलग से एक पिक्चर है दरख्त के साथ नीचे। हाँ, जो बैठी हुई हूँ मैं टोपी पहन के। ये पश्तून कल्चर डे था जो हमने अपने प्रोग्राम में मनाया। अच्छा। और मैंने पश्तून एक अटायर पहना हुआ था जिसमें कि वो फ्रॉक था। बाहर जाके खिंचवाई? हाँ, लॉन में खिंचवाई, लेकिन ये है कि स्टूडियो हमारा मैं नहीं खींच सकती थी। और ये मुझे कराची लग रहा है। कौन सा वाला? ये पहाड़ों पे जो आप बैठी हुई हो। नहीं, पहाड़ों वाला कराची क्यों लग रहा है? नहीं, क्यों? तो वहाँ पर एक आध ऐसी जगह है जो समंदर के पास है, दरिया है क्या ये? नहीं ये आज़रबाईजान है। ये मैं वॉर जोन कवर करने गई थी और उनके इलाकों पर आर्मेनिया का कब्जा हुआ था। बेसिकली हमारी जैसी सिचुएशन, जैसी हमारी और इंडिया की कश्मीर में है, वैसे ही उनकी और आर्मेनिया की थी, आज़रबाईजान की, आर्मेनिया की। एक तो लैंड गई के तनाज़े थी आप स्पेशली उन्होंने कवरेज करने। हाँ, और मजे की बात यह है कि उन्होंने वो लैंड्स अक्वायर रीअक्वायर कर ली, यानी कि आजाद करा लिए। तो आजादी के बाद फिर वो हमें वहां पर लेकर गए। वहां पर फिर लेकर गए। ये वो जगह थी अमेजिंगली ब्यूटीफुल, मतलब आपको जन्नत नजर आएगी एक वहां पर भी। अब आ गया है टाइम शिफा की वीडियो देखने का। तो दो वीडियोज हमारे पास है, एक वीडियो जो है वो कुछ हंगामे वाली है, तो कैसी है जरा देखते हैं। ओहो शिफा, इतना शोर ये क्या हुआ था स्टेडियम में? जी, ये शारजा स्टेडियम और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, और पाकिस्तान को वो वाली एक सदमा पहुंचा था कि यहाँ से टीमें जो है वो हमारा क्रिकेट को धचका पहुंचाना चाह रहे थे, जो कि उनको फिर बहुत शदीद धचके हमने दिए हैं। अब याद रखेंगे वो सिक्योरिटी के नाम पे। तो ये बेसिकली उसकी थी, क्योंकि वो मैच हम हारते जीत गए और बीच में वापस हमारी टीम ने कमबैक किया, उठी है वो। और पहले बिल्कुल हार रहे थे, हारने के बाद फिर ये कि थोड़ा सा शुरू में बड़ा अच्छा खेले। हाँ। फिर दरमियान में 2-4 विकेटें हमारी गिर गई, तो उस वक्त लोगों को लगा कि बस ये मैच गया हाथ से। हाँ। लेकिन दोबारा हमने टीम वर्ल्ड कप की बात है ना, जो 2020 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 2020 वर्ल्ड कप ना, राइट है ना? हाँ, तो उसी पे ही जो है ये वाला बड़ा सीन था। वैसे वो भी कमाल हुआ ना, सब कमाल हुआ। शारजा स्टेडियम देखने वाला था। एंड में तो हम ये समझे थे हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, बस वो वहां पर आकर कुछ ब्रेक लग गया था। चलो कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जिसमें शिफा ने बड़ा ही खूबसूरत गाना गाया है, जरा वो सुनते हैं। ना तो आएगा ना ही चैन आएगा, ना तो आएगा ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा। ना तो आएगा ना ही चैन आएगा, ना तो आएगा ना ही चैन आएगा।
शिफा आवाज तो बहुत अच्छी है, पर आपने जुनैद जमशेद का गाना जो है वो आपने आएगी से आएगा कर आएगा कर मेरे लिए, क्योंकि वो आएगा ना। अच्छा, जुनैद भाई के लिए उसने आएगी था, हाँ। मतलब वो जाहिर है मर जाएगा तो वो आएगी उनके लिए, मैंने आएगा कर दिया। ये एक्चुअली मैंने ये एक्चुअली हमारे स्कूल के फंक्शन का एक ऑडिशन था, ये इतनी पुरानी स्कूल का नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी एक्चुअली। ये पुरानी वीडियो मैं तो समझी अभी की है, ये वीडियो पुरानी है, बिल्कुल ऐसी कोई चेंज नहीं आया, ये पुरानी वीडियो है, यूनिवर्सिटी के टाइम की वीडियो है। और बेसिकली हमसे हमारी टीचर्स ने मांगी थी कि जो लोग सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो अपनी वीडियोज भेजें, तो फिर मैंने भी भेजी और मुझसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम भी भेजो, दो चार लड़कियों ने और भी भेजी, तो ये वो वाली। कुछ हुआ था आगे? हाँ, आई सैंग, आई वन रियली। और क्या आपने हल्का लिया? नहीं हल्का नहीं लिया, आपसे गाना भी सुनेंगे। ये तो हमें लोग बुला रहे हैं, हम जाते नहीं है। चलिए गाना गुनगुनाते हुए हम जो है ना ब्रेक की जानिब चले जाते हैं। कौन सा गाना? कोई सा भी गाना, अच्छा सा पाकिस्तानी गाना सुना दें। कुछ कहूंगे तो लफ्ज बोलेंगे, कुछ कहूंगे तो लफ्ज बोलेंगे, चुप रहूंगी तो मेरी आंखों में, चुप रहूंगी तो मेरी आंखों में, दिखने वाले सबने गाहों को एक ही चेहरा बस नजर आएगा, ना तू आएगा ना चैन आएगा। ओके जी, ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद बड़े मजेदार सवाल होने वाले हैं शिफा से, और वो ऐसे सवाल हैं जो कभी किसी ने नहीं किए होंगे, इनसे तो हम करेंगे। स्टे विद अस। सो अब हम आ गए उस जगह पर जहां पर हम पूछेंगे शिफा से कुछ सवालात, और ऐसे सवालात हैं जो जरा अनयूजुअल से हैं शिफा। अच्छा, तो आप ये कार्ड हैं जिसमें से एक कार्ड चूज करके मुझे देंगे, दोनों कलर्स में से। हाँ, जो भी रेड। आई एम वेयरिंग रेड। रेड रेड लगता है, पसंद भी आपको। और रेड में कुछ खतरनाक सा भी सवाल है, डेंजर। वो ये कि ये क्या बात है, नून वाले आपसे खफा रहते हैं क्यों? ये सवाल आपको किसने बताया? ये नून लीग से आया है ये सवाल, मैं आपको बताऊं? ये नहीं, हो सकता है नाराजगी हमें यहाँ तक पता चल गई होना कि क्यों भाई, क्यों नाराजगी है, क्या वजह? क्या क्यों नाराज है, मतलब समझ में नहीं आता। प्रोग्राम पे बुलाओ ता मुसीबत, ना बुलाओ ता मुसीबत, मतलब अजीब समझ नहीं आता वैसे उनकी, मतलब क्यों? कुछ आपने उनको कैसा कह दिया था? नहीं, शो में कुछ कह दिया था, आउट ऑफ द शो कुछ कह दिया था? नहीं, आउट ऑफ द शो कुछ ट्वीट कर दिया था, क्या किया था? मेरी ट्वीट से जरा नाराजगी हो सकती है उनको। हो, जरा खतरनाक ट्वीट करती रहती हो, कुछ उनको नागवार गुजरती होगी। लेकिन ये है कि देखिए, आप कोई चीज़ अगर कोई हुकूमत अच्छी करेगी, हाँ, सेहत कार्ड मिसाल के तौर पर, हाँ, तो मैं कहूँगी सेहत कार्ड एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव। तो उन्होंने क्या कहा कि सेहत कार्ड अच्छा नहीं है क्या? नहीं, वो तो कहते रहते हैं, मतलब अपोजिशन में है ना, तो हाँ, उनको तो हर चीज़ बुरी लगनी है। Exactly, हाँ। तो हम कम अज़ कम मेरा ये है कि जो चीज़ सही मुझे लगेगी वो मैं सही कहती हूँ, जो गलत लगेगी वो मैं गलत भी पॉइंट आउट कर देती हूँ। अच्छा, तो उनको ऐसे लगता है कि आपका झुकाव लगा रहे हैं, उनको लग सकता है कि झुकाव ज्यादा उस तरफ है, या उनको जरा हल्का हाथ रखती है हमारी तरफ, सख्त हो जाती है, तो नाराजगी है थोड़ी बहुत उनकी तरफ से। ये नाराजगी कुछ लोगों की तरफ से, हमें कैसे पता चला? पता नहीं कैसे, आपने कहाँ कहाँ आपने बंदे छोड़े है ना, छोड़े। नेक्स्ट ब्लू फौरन से डर के ब्लू कर दिया, ब्लू बिठाए। शिफा एयरपोर्ट पर दौड़ती नजर आई थी, क्यों, क्या हुआ था? कोई रेसिंग चल रही थी वहां पर क्या? नहीं, मैं अपनी फ्लाइट मिस करने लगी थी, बस मैं 5-10 मिनट के मार्जिन से ही पहुंची थी वहां पे, सांस पसीने बैग उठाए हुए, ये दुबई एयरपोर्ट पे पाकिस्तान की फ्लाइट में ले रही थी। इतने मजे के ड्यूटी फ्री शॉप रखे हैं, तो क्या करें, हर कोई दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैं उधर ही फंस गई थी, मतलब फंस क्या गई थी, मैं उधर ही रह गई थी। क्या क्या देख रही थी, किस नहीं, मैं क्या देख, कौन सी शॉपिंग कर रही थी? परफ्यूम्स देख रही थी शायद, या मेरा ख्याल है परफ्यूम्स देख रही थी, और कुछ टाइम का अंदाजा जरा पूरा सा हुआ। खो गई, मैं खोई हुई थी बिल्कुल, लिटरली। ये तो जब मैंने वैसे ही देख लिया, मैंने कहा स्क्रीन पे देखें कि क्या है नंबर हमारा, क्या कौन सी कितनी फ्लाइट है और कितनी चल रही है, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो दौड़ लगाओ शिफा। अच्छा, वहाँ पर है भी बहुत दूर दूर ना, काफी टर्मिनल्स होते हैं, और मेरा गेट जो था वो काफी दूर था, कुछ 15 मिनट की वॉक बता रहा था, और हाँ, और तकरीबन मेरी फ्लाइट के गेट बंद होने में बेसिकली टाइम जो था वो 10 मिनट का रहता था। गेट जब बंद हो गए फिर तो आपको जहाज में नहीं चढ़ने देते, गेट्स बंद होने वाले थे। और अनाउंसमेंट हो रही थी तुम्हारी? अनाउंसमेंट तो मेरे ख्याल है मुझे नहीं सुनाई थी, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा वो भाग रही होगी, मैं दौड़े मारी, मैंने दौड़े मारी कि बस मैं वहाँ पर पहुंची और मैंने जाके ये रखा अपना पासपोर्ट, हेलो। तो ये हुआ था सिलसिला, इसलिए मैं एयरपोर्ट पे दौड़ती नजर आई। चलो जी, नेक्स्ट सवाल। रेड फॉरन से रेड पर आ गए।
बचपन में लड़कों की पिटाई की और फिर अम्मी अब्बू ने सजा भी दी, कौन से बेचारे बच्चे थे जिनकी आपने पिटाई कर दी? आई वॉज इन क्लास टू, बड़ा मशहूर ये वाकया है। और हुआ ये कि हमारी क्लास में थी एक खिड़की, अच्छा एक खिड़की थी, एक खिड़की थी और उस खिड़की के साथ ही टेबल पे मैं बैठी होती थी। अब जब ब्रेक हुई और मैं बाहर से क्लास के आके उस खिड़की में जरा हल्की सी लटक के, क्योंकि बाहर से क्लास ऊंची थी तो मैं जरा लटक सी गई और अंदर मैं कोई चीज रख रही थी, अपना शायद लंच बॉक्स रख रही थी। लटक वो मतलब बहुत ऊंची खिड़की थी, ऊंची खिड़की थी, बाहर से नहीं नहीं बाहर थी तो वो ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन नीचे सीढ़ियां थी बेसिकली, उतर के आपने उस थोड़ी सी ऊंची होती हल्की सी, बाहर से ऊंची थी नीचे अंदर से तो वो आपका बराबर था लेवल, आई लेवल। तो वो बाहर से मैं जरा हल्की सी लटक के वो मैंने लंच बॉक्स रखना अपने रखा अपनी टेबल पे और हमारे क्लास फेलो ने मेरी टांग खींची। जब मेरी टांग खींची तो मेरी चिन जो थी वो उस लकड़ी से लगी और अच्छी खासी जख्मी हो गई, सूज गई। और फिर होता ये था बचपन में कि जब आप दुखते थे तो आपको लगाते थे टीके, हाँ पेरेंट्स आपको टीके से तो माफ़ी कोई नहीं थी, टीके लगते थे। और जब टीके लगे लगने थे, अब मुझे नजर आ गया कि भाई मुझे घर जाऊंगी शामा तक टीके लगने हैं, फिर तो मैं ये मैं थी और ये वो था लड़का और मैं उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे पिटाई की उसकी, पकड़ा उसको मैंने। हाँ। वो बस बच कहाँ सकता था, हम यूसुफ से ही लोग वो उसको मैंने पकड़ा, उस पे मैं बैठी और उसको मैंने जो लगाई इधर से उधर मुक्के भूसे और हमारे पीटी टीचर थे और हमारी मैडम थी वो आ गई, जा रहे उनको पता चल गया बच्चे लड़ रहे हैं, पता नहीं कहीं सब चमगट्टा जमा हुआ है। और फिर वो टीचर्स आए, उन्होंने हमें अलग किया। फिर जब पीटीएम हुई ना, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुई एक वक्त बाद, तो उसमें मेरे पेरेंट्स को कहा मेरी टीचर्स ने कि आप अपनी बेटी को समझाएं, ये लड़कों को मारती है। तो कितने मतलब हर दफा मारती थी? हो सकता है ये हुआ, मुझे तो ये एक वाकया याद है जिसपे कि मैंने अच्छा खासा उसका तिया पांचा किया था। लेकिन ये नहीं बताया कि आपकी भी तो चिन को उसने, और क्या बेसिकली तो मैं उसकी वजह से डर गई थी ना, टीके से डर गई थी, ये एक्शन का रिएक्शन था। असल में ये था कि मुझे तुमने नॉटी बच्चा मैं, बाकी बड़ी नॉटी थी वैसे, हर वक्त हमने खेलना कजन्स और फ्रेंड्स और हर वक्त एक उधम जिसको कहते हैं ना मचा होता था घर में, तो ये मेरा सिलसिला ऐसे ही था। चीजों की तोड़फाड़ भी करती थी घर पे? नहीं तोड़फाड़ नहीं करती थी, नहीं नहीं। हाँ वो मैं बड़ा संभाला हुआ बच्चा थी, मेरे टॉयज भी मेरे ठीक ठाक हैं, डॉल्स हर चीज सही है, हाँ संभाली भी है कुछ, लेकिन मस्ती करना भागना दौड़ना वो जो पिटू गरम है या जिसको हम कहते थे पकड़न पकड़ाई छुपन छुपाई, ये इस किस्म की गेम्स जिसमें आपके घर इन्वॉल्व होता है और आप कभी बेड उलट रहे हैं, कभी आपने तकिए गिरा दिए, कभी आपने। अम्मा अब्बा से सजा क्या क्या मिली हुई अभी तक? मार भी खाई है, बाथरूम में भी बंद हुए हैं और एक दफा मुझे कैलकुलेटर भी लगा हुआ है सर पे। अच्छा? हाँ, अब्बा जी ने नहीं फेंका, नहीं मारा पकड़ के, ही मेड श्योर के इसको लगे, वरना तो हो सकता है वो पीछे से फेंके तो मैं दाएं बाएं किया होगा, मैं ये सोच रही हूँ। कैलकुलेटर लगा है मुझे अच्छा खासा, तो काफी कार्रवाइयां हुई हैं बचपन में। अब सब बता दूं क्या आज? नेक्स्ट मतलब भद हो गई है। चले जी एक सेकंड ये मैं हटा दूं। हाँ चले, एंड दिस इज द लास्ट वन, लास्ट वन। शिफा सोते हुए छिपकली। वैसे आपको छिपकली से डर लगता है? बहुत शदीद। तो फिर ये क्या हुआ था सीन? छिपकली के लिए हुआ था ये? किसने आपको ये बातें बताई हुई है सारी? ये बस पता चली हुआ ये कि ये इसी सर्दियों की बात है कि मैं सोई हुई थी रात को बड़ी गहरी नींद में और मुझे एक आवाज आई और हल्की सी फीलिंग हुई। ठीक है, आपने रजाई ली हुई है या क्विल्ट उठाया उड़ा हुआ है, खामोशी है, खामोशी है बिल्कुल, अंधेरा है और आपको आवाज आई है किसी चीज मतलब के गिरने की। कहाँ गिरी? मतलब मेरे ऊपर। अच्छा ऊपर, ठीक है मेरे ऊपर ही गिरी, क्विल्ट के ऊपर। हाँ क्विल्ट के ऊपर गिरी कोई चीज, ठप की आवाज भी आई और फील भी हुआ कि कोई चीज लगी आके। और मैंने नींद में ही मैं समझी कि अरे तो छिपकली है, फौरन मैंने लाइटें लगाई, लैंप्स ऑन किए, छलांग मार के मैं वो नहीं होता वो जो निंजा निंजा वाली कार्रवाई की, मैं बेड से बाहर निकली और पड़ा मैंने उल्टा सीधा किया बेड को, देखा कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन समथिंग डेफिनेटली फेल ऑन मी दैट नाइट। अब वो क्या था ये नहीं पता, ये नहीं पता ओ, लेकिन ओ, मैं यही समझी कि छिपकली थी, बच गई। अगर छिपकली होती तो फिर क्या होता? चीखे चीखे हाँ, और उस कमरे में सोती या नहीं सोती? फिर नहीं, फिर कहीं और बस बिस्तर बोरी उठाती, बल्कि वो भी उधर ही छोड़ जाती क्योंकि उसमें छिपकली गिर गई थी ना, तो वो फिर आगे कोई तकिया ढूंढती कहीं से। लेकिन ये डेफिनेटली कुछ गिरा था और आई सस्पेक्ट कि छिपकली ही थी। ओह माय गॉड, चलें सबको जो है अल्लाह ताला छिपकलियों से महफूज रखे, आमीन। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे एक और हमारा जबरदस्त सेगमेंट जहाँ पे हम शिफा के आर्टिस्टिक जो है ना वो हालात मालूम करेंगे, कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। ठीक है जी,
नाज़रीन, और लाइफस्टाइल में हमने शिफा को एक इम्तिहान में डाल दिया, और इम्तिहान है उनका ड्राइंग का, और ड्राइंग के इम्तिहान में देखते हैं वो कितना पास होती हैं। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं ड्राइंग में पास हो सकती हूँ, इसलिए पास पता कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। पास होने का एक्चुअली तरीका ये है कि आपने, मैं आपको बताऊँगी कि आपने ड्रॉ किसको करना है, आप ड्रॉ करेंगी और इम्तिहान में पास इस तरह कि अगर आपने गेस कर लिया कि आपने किसको ड्रॉ किया है। अच्छा, हाँ, वो आपके ड्राइंग से इतना ताल्लुक नहीं, आपके गेस से ज्यादा ताल्लुक है। ओके, ठीक है, सही है, स्टार्ट करें। सही है, चले जी, आर यू रेडी? या ओके, पहले हम फेस कट से आए। सही है, ठीक है, फेस कट जो है जरा राउंड सा लगता है, बट नॉट टू राउंड, इट्स लाइक नॉर्मल ओवल राउंड कहेंगे इसको। ओके, एंड स्मेल, एंड स्मेल, मेल मेल मेल, बंदा मेल, ठीक है, तो फिर तो हो सकता है कि राउंड भी हो और स्क्वेयरिश, नॉट स्क्वेयरिश, राउंडिश, ओवलिश, ओवलिश है, चलें इसे ओवलिश है, मेल है, हाँ मेल, हम लिख लेते हैं मेल है, हाँ, ताकि याद रहे, ठीक है। अब हम आंखों से आए या लिप से आए? और जैसे आप कहेंगी। नहीं, आप बताएं ना आपको क्या चीज ड्रॉ, आंखों से आ जाए, हाँ, आंखों से, आंखों से। अच्छा, आईब्राउज जो है उनकी वो थोड़ी सी आर्च वाली है, हल्की सी लंबी है, जरा ना हल्की सी आर्च है, लंबी है। ओके, और आंखें उनकी ऐसे मतलब नॉर्मल बड़ी जिस तरह होती है, लेकिन अच्छी, मतलब बिल्कुल वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, बादामी आंखें नहीं है, लेकिन बड़ी आंखें हैं, नहीं गोल आंखें हैं, गोल के ओवल कहेंगे, ओवल है जरा सी, हाँ बड़ी है लेकिन आर्च के साथ, ठीक है, सही है। और नाक उनकी जरा सी लंबी है, लंबी मतलब पॉइंटेड है या पॉइंटेड नहीं है, जरा सी मतलब लंबी होकर थोड़ा सा, थोड़ी सी यहाँ से हल्की सी फैली हुई है, ज्यादा नहीं, मतलब इट्स नॉट बैड नोज, इज गुड नोज, और यहाँ से जरा पॉइंटेड है, ये देखो ये वाली जगह जो है ना, ये हल्की सी आगे पॉइंटेड है। वो आप मुझे जो पॉइंट बताएं, ज्यादा पॉइंट ना बीविच्ड वाला मत बना रहे ला पॉइंट। ओके, हाँ, हाँ, सही है, पता नहीं क्या बना है लेकिन ओके। अच्छा, अब मुस्टैश पर आ जाते हैं, मुस्टैश उनकी ऐसे घनी घनी सी ऐसे से करके, अब यहाँ से यूं भी आ गए नीचे की तरफ, हाँ नीचे की तरफ यूं आ गए। अभिनंदन है क्या? नहीं ना, वो कहाँ से आ गया, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी है हमारे, इतने बड़े सेलिब्रिटी है, हाँ फहद मुस्तफा, अरे अभी बनाओ तो सही। अच्छा, मुझे बता, बना लूं मैं, हाँ मुझे बनाए, और यूं करके भी आएंगे और ऐसे करके गोटी जाएगी पूरी यूं दाढ़ी तो यानी कि मूंछ और दाढ़ी कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, ये वाली मूंछ के साथ दाढ़ी कनेक्टेड है, ये देखो यहाँ से यूं है, ये दाढ़ी यूं है, हाँ। ऐसे, और यहाँ से यूं करके ऐसे जाती है ये, हाँ। ये कौन सी दाढ़ी है? नए स्टाइल की दाढ़ी है ना आजकल, जो वो नहीं नए यहाँ से वो गैप गैप के साथ होती हैं, जो अच्छी स्टाइलिश सी दाढ़ी है, ऐसे नहीं, टेंशन ना लो, मुझे बनानी भी है ना उनकी दाढ़ी, जो भी भाई साहब है दरअसल मुझे वो टेंशन है इतने और से मैंने कभी दाढ़ी बनाई, पता नहीं मुझे कौन सी दाढ़ी इन्होंने रख ली है, लेकिन ये जो भी शहजादे बन रहे हैं यहाँ पे वो बहुत माइंड करने लगे हैं भाई। हाँ जी, उनकी दाढ़ी बन गई, तकरीबन बनी गई है, कुछ जो है वो फुल माउथ लिप्स है, फुल माउथ लिप्स है, मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ छोटे से लिप्स है, नॉर्मल लिप्स है, ये इतने बड़े बड़े भी नहीं है, बुटॉक्स वाले लिप्स नहीं है, नॉर्मल लिप्स है, ठीक है। हाँ, पता नहीं दा, वो मूछें और लिप्स मिक्स हो जाए तो खैर है, अब वो आप बना रही है मुझे क्या मालूम। अच्छा, बाल नहीं पूछे आपने अभी तक, कैसे हैं बाल, कैसे हैं, घुंघराले हैं, सीधे हैं? अब पहले हम कान बना लेते हैं ना, ठीक है, कान, बाल नजर, बालों से कान नजर आ रहे हैं, हाँ बड़े बड़े कान है, हाँ बड़े कान है, बहुत बड़े नहीं, इतने बैट वाले नहीं, ऐसे नॉर्मल से बड़े कान, एक होते हैं ना कि बिल्कुल मैं चिपके मैं वो अपना आर्ट लगा रही हूँ ना, ना कान जो देख है, लो आँखों के पास, ऐसे देखकर बना लो कान, आंखों के पास है, हाँ। कान पता नहीं कैसे ही बनेंगे कान, लेकिन चले हाँ। कुछ कर लिए, कुछ हल्का कुछ सा कुछ तो बन जाएगा अब बालों की बारी है, या बो भी लगाई हुई है इधर, कपड़े हैं वो तो, किसी दिन बो होगी, किसी दिन टाई होगी, आज बो बनाते हैं ना, आज बो पहनी हुई है उन्होंने, हाँ देखिए आपने कहा था सिर्फ सर बनाना है, चलो अभी सर की बारी आई है, सर जो है ना वो उसमें बाल नहीं है असल में, वो सिर्फ यूं है, अवैस है क्या अवैस मंगल वाला, अवैस मंगल वाला, मैं सर बना लो फिर मैं देखती हूँ, बनाओ तो सही सर, बस ऐसे ही बनेगा, मतलब नहीं ड्राइंग तो मेरी वैसे ही बहुत पथेटिक है, मतलब ये तो लोग रोएंगे, पेब्लो पिकासो रोएगा, अगर मैंने इसको नहीं बोला डेले नहीं बनाए तो उसने नहीं बनाया, आंखों में अंधा है क्या बेचारा, हम डेले बनाते हैं अभी, हाँ। डेले बनाते हैं, काली आंखें अवैस की मेरा ख्याल है, अगर ये अवैस मंगल वाला ही है तो इन्होंने कान भी बेचारे कहीं की बनाया
ऑलराइट जी, चले मैं दिखाती हूँ कि कौन है असल में। आप जीत तो गई हैं, है ना, क्योंकि क्या हसीन ग्लासेस तो बना दे, मैंने बोला था ग्लासेस भी बना दे, क्या मैंने कहा था, भूल के बना दे। तो ग्लासेस का डंडा मैं कहाँ लेके जाऊँ, जहाँ पे भी अब देखकर ही बना ले। अब आपने गैस तो वैसे ही कर लिया, बालों से ही आपने कर लिया गैस, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। वैसे की तस्वीर बड़ी कमाल की आप लोगों ने सिलेक्ट की है, लेकिन मैंने तो जो उसका किया है हशर नशर, तो अवैस की बेगम, बच्चे, अम्मी सब मुझे उठा के मेल लिखा भी है बताने के लिए, अपनी अपनी आध्यानी के लिए कि मेल बना रही हूँ मैं मेल। तो ये वेस इन्होंने आपसे जो है ना कोई पता नहीं कौन से टाइम का बदला लिया है, तो इन्होंने ऐसी तस्वीर बना दी है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है। अच्छा, वेस ने बो टाई भी लगाई है, यही तो मैं कह रही हूँ, वो और पता नहीं आपने वो बनाई भी नहीं, कोई बात नहीं, अब रहने दो, छोड़ दो, क्या वो बनाना, चलो बना दो वो है ना भाई, ऐसी ही होगी वो, तो बट्टा उड़ाने के लिए नहीं कहा था वो है वो सही है। ऑलराइट, अब हम जाएंगे, वेलकम बैक, और लाइफस्टाइल में शिफा हमारे साथ है। शिफा से अब मैं सवाल करने वाली हूँ, कैसे आपको पता है रैपिड फायर होगा अभी, तो रैपिड फायर में आपने फटाफट जवाब देना है मुझे, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि योफिया चिपकलियाँ, describe yourself in three words. Fun loving, sincere, hard working. Oh, great. अपने चेहरे का best feature क्या लगता है? मेरे बाल, ज़ुल्फे, ज़ुल्फे. Favorite color? Black. Best compliment जो आज तक मिला हो? आपके दांत बड़े प्यारे हैं. Oh, cute. अच्छा कोई ऐसा compliment जो अच्छा ना लगा हो कभी? आपके और बहन भाई क्यों नहीं हुए? अपने आप को किसी भी एनिमल से रिलेट करो तो किससे करोगी? पता नहीं किसी जानवर से, अपने आप को देखा नहीं मैंने। मेरा मियाँ मुझे कहते तुम मैं देखकर रैबिट याद आता है। अच्छा, रैबिट लगती हो तुम, तो तुम्हें क्या लगता है? मेरे घर में 5 बिल्ली हैं, सो आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू कैट्स। कैटो, ठीक है। अच्छा किसी को मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, किसी को भी नहीं, कोई मशवरा नहीं चाहता दुनिया में, कोई आपका मशवरा लेना नहीं चाहता, ये मैंने चीज नोट की है, इंक्लूडिंग मी। ये अपना हाँ। मशवरा आप अपने पास ही रखें। अगर कोई दोस्ती में भी मशवरा हाँ। देना चाहे तो फिर दे, बिल्कुल बुरी बात होती है। नहीं नहीं, दोस्ती में तो इट इज हाँ, सब जाए। किसी को कोई बात कहता है कि यार ये नहीं, इस तरह कर लो, कभी शो में कोई कहता है इस तरह तो अच्छा लगता है बुरा लगता है? नहीं, कुछ चीज़ें तो ठीक होती हैं जो कह रहे होते हैं हमें, और कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आप ठीक हैं तो फिर आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, आप फिर नहीं, आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना एक्सरसाइज करते हैं। लाइफ को कैसे रिलेट करती हो? लिमिटेड, डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। टाइम ऐसे गुजरता है आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। और बुढ़ापे के लिए कुछ ना छोड़ें, जिंदगी गुजारें, एंजॉय करें, बुढ़ापे के लिए पैसा जरूर छोड़ें। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा अब मैं आपसे जो है ना सवाल करूंगी, ओके, एक वर्ड कहूंगी, उस एक वर्ड को आपने रिलेट करना है किसी भी एक्टर से, किसी पॉलिटिशियन से, किसी स्पोर्ट्स पर्सन से, किसी भी मतलब जो फेमस पर्सनालिटी हो, ठीक है, एनी एंकर, होस्ट, कोई भी हो सकता है वो। ओके जी, क्लेवर, नरेंद्र मोदी। अच्छा, इंटेलिजेंट, इमरान खान। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत से लोग हो सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्टर्स एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते नहीं है क्योंकि उनका बहुत सारा चीजें इधर उधर। हाँ, स्पोर्ट्समैन होते हैं क्या? स्पोर्ट्समैन भी नहीं होते। एंकर्स, एंकर्स तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैसे बाकी एंकर्स हाँ. हो सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सारे एंकर आ सकते हैं। मोहम्मद मालिक इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। ओके, रोमांटिक, मोहम्मद अली साहब। हाँ, क्या फिल्में और क्या क्या उनका हीरो, अगर कोई था ना हीरो, आवाज, लुक्स कंप्लीट, क्या बात है, बिल्कुल। जेन्युइन, मी। इमोशनल, फिरदौस आशिक साहिब। फियरलेस, मरियम नवाज। ऑनेस्ट, इमरान खान। लविंग, सुल्ताना आपा। सेंसिटिव, मेरा ख्याल है शहबाज गिल। पैशनेट, गरीदा फारूकी। काम के बारे में अपने बड़े पैशनेट हैं। वर्सेटाइल, एक्टर्स में हो सकता है वर्सेटिलिटी, आप बल्कि सिंगर्स को कर लें आप, मेरा ख्याल है राहत फतेह अली। ठीक है, डन, थैंक यू सो मच शिफा, होप यू रियली लाइक इट, एंड आज आपका नहीं, हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। और इसके साथ ही आज इतना ही, यकीनन आपको आज का शो भी अच्छा लगा होगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, टेक गुड केयर एंड चाओ।